आधी रात को जब आप बैडमिंटन ब्लिस पे जाएंगे तो ज्यादातर फॉरेनर लोग ही मिलेंगे आपको आपका ओपोनेंट का तौर पे। नील आर्मस्ट्रांग का भाई चांद का मिशन तो अभी हो नहीं रहा है, जिस चलते चले आए बैडमिंटन कोर्ट पे। मैच पॉइंट। मेरे को तो शक हो रहा है उनको कायदे से बॉल दिख भी रहा है या नहीं, या दो दो दिख रहा है। स्पेस सूट पहन के आ गए बैडमिंटन के। इसके पास तो दो भी स्पेस सूट है, लेकिन तेरे पास क्या है? ये सफेद, नीला और पीला में अंग्रेजी मीडियम का स्कूल यूनिफॉर्म। हाँ यमराज जी, ये बात भी सत्य है कि कब तक हम ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में बैडमिंटन खेलते रहेंगे, लेकिन अभी भी तो कोई प्रीमियम अवतार अनलॉक नहीं हुआ यमराज जी। अरे यहाँ पे देखो अपना ओपोनेंट को, ये वाला अवतार चाहिए मेरे को। फाइनल गेम, लव ऑल। जो कॉस्ट्यूम मुझे पहनना था वो तो हमारा ओपोनेंट पहन के बैठा है, कुछ उपाय करो गांडू। ठीक है यमराज जी, आप इस गेम को फिनिश कीजिए, हम देखते हैं अगर कोई जुगाड़ हो। वैसे भी इंडिया जुगाड़ पे ही चलता है। मैच पॉइंट। हसराज, रुक, तेरे को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रायल चल रहा है, तो आप ट्रायल में कुछ गेम प्ले कर सकते हैं यमराज जी। लेकिन जब अवतार ऐसा धासु होगा तो आपका ओपोनेंट भी। हाँ हाँ, मेरे को मत सिखा, बहुत गदा चलाया हमने। गदा हो या रैकेट हो, एक ही बात है। आप तो खड़े खड़े ही खेल रहे हैं यमराज जी, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, देख के मारिए, देख के। अब बस ऐसे ही खेलिए यमराज जी, खड़े खड़े स्मैश मारने का जरूरत नहीं, आगे जाने का जरूरत नहीं, पीछे का पीछे आने का भी जरूरत नहीं, अब बस खड़े खड़े खेलिए यमराज जी। ओहो गांडू, इस रैकेट से तो अच्छा मेरा गदा था। यमराज जी, ये बैडमिंटन है, कैरम पूल नहीं। अच्छा ठीक है गांडू, थोड़ा आगे पीछे होके मून वॉक कर लेते हैं। अरे लोग, क्या फायदा हो रहा है, इससे अच्छा हम खड़े खड़े ही मार लेंगे। वाह यमराज जी, क्या बात है यमराज जी, स्मैश नहीं मार सकते लेकिन स्मैश को उठा जरूर सकते हैं। यमराज जी स्मैश पे स्मैश मारे जा रहे हैं। Next point. तो ठीक है गांडू, मैं चला थोड़ा स्मैश प्रैक्टिस करने के लिए, ये स्मैश आना बहुत जरूरी है। अरे यमराज जी जरा रुकिए, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्यों, अब क्या हो गया? आपका ट्विन यमी भी यहीं पे है। अब गांडू तू ज्यादा इमोशनल ना कर मुझे, कितना दिन हो गया अपना बहना को देखे हुए। जरा ये तो देखिए यमराज जी, क्या गजब अवतार है यमराज जी। अरे गांडू, ये तो यमी है। यमी माता को प्रणाम हो। बस
खेल दिखाइए अपना। आप में से कई भाइयों को शायद नहीं मालूम होगा कि यमराज जी का एक जुड़वा बहन भी है जो है यमी। यमी यानी यमुना। जी हाँ, यमुना माता अपना यमुना नदी। तो अकॉर्डिंग टू ऋग वेदा यमराज जी का जो जुड़वा बहन है यमी उनको कहा गया। बाद में जाके उनका नाम हुआ यमुना और कुछ टेक्स्ट में उनका नाम है कालिंदी माता, अर्थात यमुना माता यमराज जी का बहन है, वो भी जुड़वा बहन। तो जो भी हो, आज का वीडियो पे बस यही तक था। बहुत तेज मिलेंगे आप लोगों का साथ एक और नया वीडियो पे। तब तक ये गेम फिनिश होने तक इंतज़ार कीजिएगा आपकी ऑसम फिनिशिंग स्टाइल के लिए। टेक केयर। Next point.